अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के बारे में इससे पहले व्हाट इज रिग्रेशन यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन इसके बारे में आपका नॉलेज होना जरूरी है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसे कवर कर लिया सो लेट्स स्टार्ट विद इट सो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है सुपरवाइज मशीन लर्निंग आपको बताती चलूँ ऐसी ऐसी तमाम टेक्निक्स उसमें हमारे पास लेबल मौजूद होता है ठीक है और हम हम उन्हें सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स कहते हैं तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो हमारे पास बेसिक डिफरेंस है यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में वो क्या है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ठीक है द आउटपुट जो होती है हमारी वो डिपेंडेंट होती है मोर देन वन वेरिएबल के यू जिसे हम नीचे एक क्वेश्चन की मदद से भी इलेबोरेट करने की कोशिश की गई तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि y जो है हमारे पास y इज इक्वल टू एम वन ये हमारा कोफिशेंट है इसे हम c से यहाँ पे डोनेट करेंगे और x वन ये हमारा फीचर है जिसे हम कोई भी इनपुट फीचर कह सकते हैं एंड b इज़ द इंटरसेप्ट ठीक है y इंटरसेप्ट हम इसे कहते हैं आई से डोनेट कर देते हैं ठीक सो फॉर अ यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स जो इनपुट नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो सिर्फ एक होता है ठीक है लेकिन मल्टीवेरिएट रिग्रेशन यूनिवेरिएट से डिफरेंट ऐसे है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं वो मोर देन वन है जैसा कि इसी क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स है इसे हम एक एक फीचर है हमारे पास एक्स टू है ये दूसरा फीचर है हमारे पास एक्स थ्री है ये तीसरा फीचर है ये हमारे हर फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके कोफिशंट्स हैं ठीक है एम वन एम वन एंड एम थ्री ठीक है और दिस इज़ आवर आउटपुट यानी कि हमारी फाइनल आउटपुट जो डिपेंड करती है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है तीन इनपुट फीचर्स पे डिपेंड करती है एंड दिस इज अगेन आवर वायर इंटरसेप्ट सो लेट सी के इसकी रियल लाइफ में हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि यूनिवेरिएट रिग्रेशन या मल्टी रिग्रेशन हमें कहाँ पर चाहिए होती है देर इज अ सिंपल एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि अ प्रॉपर्टी डीलर वॉन्ट टू सेट हाउसिंग प्राइसिस विच आर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ हाउस नंबर ऑफ़ बेडरूम एज ऑफ हाउस यानी कि आपने प्रॉपर्टी डीलर है उसने प्रिडिक करनी है हाउस की प्राइसेस अब हाउस की प्राइस किसी एक वेरिएबल पे तो डिपेंड नहीं होती ठीक है हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती जिनको देखकर हम किसी भी हाउस की प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसा कि उसका एरिया कितना है उसकी एज क्या है उसमें मटीरियल कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हुआ हुआ है वो किस किस्म का है नंबर ऑफ़ बेडरूम्स नंबर ऑफ़ फ्लोर्स ठीक है दे आर सेवरल मल्टीपल फैक्टर्स लेकिन यहाँ पर हमने जो एग्जांपल चूज़ किया इसमें हमने थ्री फैक्टर्स को कंसीडर किया है एरिया क्या है हाउस का नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं और हाउस की एज क्या है ये तीन फैक्टर्स ये तीन इनपुट वेरिएबल हमें क्या बताएंगे कि हाउस की प्राइस क्या है जो हमने पहले एग्जांपल देखी पहले इक्वेशन देखी जो हमने मल्टी मल्टी रिग्रेशन की ठीक है उसमें हमने फीचर्स uh, देखे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अब इसमें वो फीचर्स हम किस तरह से रियल टाइम में मैप कर सकते हैं वो है एरिया बेडरूम्स एंड एज ठीक है हेयर वी कैन सी कि हमने प्राइस को एज अ वाई जो है हमारी आउटपुट वेरिएबल जो है वो प्राइस है ये हमारे कोफ़िशंट्स हैं एम वन एम टू एम थ्री एंड एरिया इज़ आवर एक्स वन यानी कि जो हमारा पहला फीचर था बेडरूम्स जो है वो हमारे एक्स टू दूसरा फीचर और एज जो है वो एक्स थ्री यानी कि तीसरा फीचर और बी अगेन हमारा वाई इंटरसेप्ट है ये कॉन्स्टेंट है इस पर किसी किस्म का कोई भी एनालिसिस पे असर नहीं एनालिसिस से बी पे कोई असर नहीं पड़ता या बी का एनालिसिस पे कोई असर नहीं पड़ता ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन अ मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेड हाउस प्राइसेस सो लेट्स मूव फॉरवर्ड सो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको देखकर हमें uh, Uh, अंदाजा होता है कि हमें हमें किन किन फीचर्स का एनालिसिस करना है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट पर्टिकुलर वैल्यू सो हेयर वी हैव लिस्टेड डाउन अ फ्यू हम कहते हैं द फीचर्स। ओके हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो हमारी थी हाउस की प्राइस प्रिडिक्शन की एग्जाम्पल यहाँ पर हमने uh, तीन फीचर्स जो है उनको कंसीडर किया है एरिया बेडरूम्स एंड एज ठीक है इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है कहाँ पर लोकेशन क्या है घर की ठीक है और इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हम शायद घर की इन्फॉर्मेशन में तो हों लेकिन उनसे उनका उसकी प्राइस पे कोई भी ख़ास असर ना पड़ता हो ठीक है तो अब हमने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमने ऐसे फीचर्स सिलेक्ट करने हैं जो हमें लगता है कि जिनका हमारी आउटपुट प्रोडिक करने में रोल होगा ठीक है सो so, हाउस uh, की प्राइस पर करने में अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इससे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे ठीक है अगर हमारे पास एक फ़ीचर हो और हमारे डेटा में कि इससे पहले जो फैमिली रहती थी वो उस कितने मेंबर्स थे या क्या उनकी uh, क्या ओरिजिन था ये वो वर द पीपल जो यहाँ पे रह रहे थे उनका बिज़नेस क्या था अब इन सब चीज़ों का हाउस की प्राइस पर करने में कोई असर नहीं है कोई इनका किरदार नहीं है ये सब ये फीचर्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप जब हम ये, ये काम करने लीनियर रिग्रेशन शुरू करने से पहले करते हैं वो हम अपने फीचर्स को इंपॉर्टेंट फीचर्स को फाइंड आउट करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो तो हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे ठीक है तो हम इस किस्म के आउटपुट इस किस्म के फीचर्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं जैसे लेट uh, से हम एक बीमारी uh, करना चाह रहे हैं ठीक है फ्लू लेट से कि पर्सन में ये ये सिम्टम्स हैं इसको फ्लू है इधर ही हैज अ फ्लू और नॉट ठीक है तो अब अगर उसमें पर्सन की जेंडर क्या है ठीक है मेल है या फीमेल है पर्सन का नाम क्या है ठीक है ये दीज टू इंफॉर्मेशन आर इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट तो ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगी इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट कि इसे फ्लू है या नहीं है ठीक है तो इसे हम फीचर सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं लेट्स पोज फॉर नाउ हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमने फीचर सेलेक्ट कर ली हैं इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एंड द सेकेंड थिंग इज नॉर्मलाइजिंग द फीचर्स ठीक है नॉर्मलाइजेशन बेसिकली uh, चीज़ होती है कि हमने अपने पास हमारे पास जितनी भी डेटा है उसको एक रेंज में लेके आना है समटाइम्स ऐसा होता है जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं आ, हमारे पास कुछ हम मिस्टेकनली गलत वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ठीक है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एज लिखनी थी किसी की ठीक है हम लोगों की एज लिख रहे थे हमने डेटा कलेक्ट किया कि uh, हमने एक गूगल शीट बनाई या हमने जो है वो वन बाय वन सर्वे किया लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए पेपर्स उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपना डाटा फिल कर दें ठीक है तो किसी ने मिस्टेकनली गलती से लिखने वाले ने गलत लिख दिया या जब आपने उसको डिजिटल फॉर्म में अपने सिस्टम में कन्वर्ट किया तो आपने डेटा को गलत इंटर कर दिया ठीक है तो अब एज आपने लोगों की लिखनी थी किसी इंसान की एज किसी ने डेढ़ लिख दी वन सो दैट्स नॉट पॉसिबल आपकी पूरे आपने डेटा कलेक्ट किया हंड्रेड लोगों का हंड्रेड लोगों की एज आपकी आ रही थी लेट से टेन ईयर्स से लेकर सिक्सटी ईयर्स के बीच में ठीक है और एक यकदम से आपके पास एक एज आ गई वन फिफ्टी तो इसका मतलब है कि आपने डेटा में गलती है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है वो गलत वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम क्या करते हैं इस किस्म के डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं नॉर्मलाइजिंग इज़ बेसिकली किसी भी रेंज में लेकर आना होता है यहाँ पर जो रेंज डिस्कस हुई है वो जीरो टू वन की रेंज डिस्कस हुई है ठीक है इसका एक सिंपल फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सो फाइव यानी कि कोई भी ट्रेनिंग सैंपल का कोई भी आई फीचर इसकी न्यू वैल्यू होगी इसकी ओल्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ ऑल दी वैल्यूज मीन का मतलब है एवरेज आउट आपने किया हुआ है आपके पास जो एजेस हैं दस से लेकर एक सौ पचास तक सौ लोगों की आपने उन सबका एवरेज ले लिया आपने जो आपके पास जो पर्टिकुलर वैल्यू है लेट से वो वन फिफ्टी है और आपने इसमें से जो आपकी मीन है आपने उसको माइनस कर देना है ठीक है और डिवाइड कर देना है रेंज से रेंज आपकी क्या होती है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी एक रेंज में होंगी ठीक है रेंज में वैल्यूज होना हमें हेल्प करता है एक अच्छा रिग्रेशन मॉडल बनाने में जो हमारे हमें एक बेहतर आउटपुट देगा ओके देर इज़ अदर थिंग ये वी डेटा प्री प्रोसेसिंग नॉर्मलाइजिंग फीचर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डाटा प्री प्रोसेसिंग का एक और स्टेप डिस्कस किया हमने नॉल वैल्यू हैंडलिंग नॉल वैल्यूज यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बेडरूम्स फॉर दिस पर्टिकुलर थर्ड रो जो है हमारे पास इसमें नहीं है ठीक है हमें नहीं पता कि जी इसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं हो सकता है डाटा इंटर करते वक्त कोई भूल गया हो या सेव होते हुए किसी से डिलीट हो गया हो ठीक है तो अब हमने क्या करना है इन नल वैल्यूज को हैंडल करना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा क्योंकि अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो हाउ वी आर गोइंग तो टू प्रोसेस दैट ठीक है तो इसका एक हम सबसे जो तरीकाकार यहाँ पे देखेंगे वो है मीडियन uh, के साथ रिप्लेस करना ठीक है मीडियन या मीन के साथ रिप्लेस करना okay? सो मीडियन इज़ बेसिकली हम इन सब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं हम उन्हें सॉर्ट करते हैं जैसे थ्री थ्री इन हम एग्जाम्पल्स को लेंगे फोर एंड फाइव सो मीडियन इज़ द नंबर दैट जब हम उन्हें सॉर्ट करें तो दरमियान में जो नंबर आता है ये हमारे पास चूँकि इवन नंबर्स हैं ठीक है तो इनके दरमियान में तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास तीन और चार आ रहा है अगर हम इसका एवरेज लें तो वी गेट लाइक थ्री पॉइंट फाइव ठीक है नंबर ऑफ बेडरूम्स थ्री पॉइंट फाइव तो नहीं हो सकते सो so हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा से हम इसे थ्री पे कर लेते हैं राउंड ऑफ और हम इस जगह पे थ्री रिप्लेस कर देते हैं ठीक है तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग नल वैल्यूज